कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं एमपी मित्तल बोल रहा हूँ। जी नाम बताइए। एमपी मित्तल। जी जी, सवाल कीजिए। जी मित्तल भाई, मेरा सवाल ये है जी कि मुझे दो तीन परेशानियां हैं और मैं आपके नुस्खे जो है सारे नोट किए हुए हैं मैंने। मेरे तो परेशानी ये है कि मैं डायलिसिस पर हूँ, इसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायलिसिस की मैं कोई दिक्कत नहीं मानता। मेरा पेट बिल्कुल ठीक नहीं रहता और मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। डायलिसिस कितने दिन में करानी पड़ती है आपको? मुझे हफ्ते में दो दफा डायलिसिस कराना पड़ता है, उसकी मैं कोई प्रॉब्लम भी नहीं मानता। ठीक है, एज बता दीजिए। मेरी उम्र है लगभग 63 ईयर। अच्छा, हमारा कोई नुस्खा लिया नहीं अभी तक आपने? मैंने आपके नुस्खे काफी इस्तेमाल करे हैं, जैसे उसमें आपने सौंफ और अजवाइन वाला जो नुस्खा बताया था, उसमें जैसे मैं काला नमक डालता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर और जो है खुजली मेरे को शरीर में होने लग जाती है। ठीक है ठीक है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हो या खुजली होती है वो लोग काला नमक ना डालें। अच्छा देखिए, डायलिसिस हफ्ते में दो बार होना अच्छा नहीं है, आप तो हिम्मत वाले आदमी हैं, और हफ्ते दो हफ्ते में अगर एक बार हो तो कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है। तो इसके लिए देखिए, आप एक चीज़ ले लीजिए और वो है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका आपके पेट को भी अच्छा रखेगा और आपकी जो क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, यानी किडनीज की गंदगी जो बढ़ जाती है, जिसकी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से डायलिसिस होता है, ये उसमें बहुत कमी करती है। और हार्ट पेशेंट है तो ये दिल की भी और ब्लड प्रेशर की भी बड़ी खबर लेती है, चर्बी को निकाल कर बाहर कर देती है और ब्लड प्रेशर से निजात मिलती है, और अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेज हो जाए तो उसको भी खोलने में मदद करती है। तो ये तो हुई आपकी दो तीन मर्जों की बात, यानी डायलिसिस, पेट की प्रॉब्लम, दिल की प्रॉब्लम और डायबिटीज़। जोड़ों के दर्द के लिए आपको एक गोंद आता है, गोंद सियाह, वो ले लीजिए, 100-200 ग्राम खरीद लें, लेकिन असली लीजिए। उसमें आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना शुरू करें, आपके जोड़ों का दर्द ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने तक ठीक होना मुमकिन है। जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं जैन साहब राजस्थान से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। जी आदाब जैन साहब, फरमाइए क्या सवाल है? रिवीजन ये साहब, मैं आपका नियमित देखता हूँ, मेरे को ऐसा सब कि यूरिन की थोड़ी प्रॉब्लम है, शायद प्रोस्टेट पहले हो चुका था पहले तो, परंतु अभी भी शायद हो सकता है। तो रात के टाइम मेरे को जब बाथरूम लगता है वो कभी कभी तो इतना मतलब बहुत मुश्किल से लग पाता है, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कितनी उम्र है और क्या क्या बीमारी है अभी आपको? अभी तो और तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो सिर्फ यही है, और मेरे को सिर्फ बाथरूम की ज्यादा प्रॉब्लम है और थोड़ा सा घुटनों में थोड़ा सा दर्द है। ठीक। अच्छा देखिए, ज़्यादा उम्र में ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी हो जाती है, और आपने उम्र तो नहीं बताई लेकिन आपकी आवाज़ से अंदाज़ा लग रहा है कि आप 60 के करीब के इंसान हैं। तो जिसको भी ये परेशानी हो जाए तो वो घबराए नहीं, इसका बड़ा आसान इलाज भी है, और वो ये है कि देखिए, रसवंती और लाजवंती, ये दो दवाओं के नाम हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, किसी पूछ सकते हैं, रसवंती लाजवंती 100-100 ग्राम लें, और 100 ग्राम गौन मोरिंगा, 100 ग्राम गौन मोरिंगा, इन सबको पाउडर बना लें, और तकरीबन दो
एक चम्मच जो उसमें दवा आती 3-4 ग्राम, यानी तकरीबन 2 ग्राम या 1.5 ग्राम रोज़ाना रात को और सुबह को खाने के बाद खा लिया करें, आपकी ये बीमारी जाना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं निधि गाजियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है निधि आपका। हेलो नमस्ते हकीम साहब जी। जी आदाब निधि जी, बताइए क्या सेवा है जी आपके यहाँ से। मेरी मम्मी के लिए वो मंगवाया था माजून आर के, उनको काफी फायदा हुआ उससे। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताया, और क्या सवाल है आपका? जी मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है और उससे क्या है कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो गया और फेस पे भी बाल आ गए हैं, तो उसके लिए आप कोई घरेलू उपचार हो या फिर कोई मेडिसिन बताइए अपनी। ठीक है, हाँ देखिए हार्मोन्स टेस्ट कराएं, अगर वो हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हों तो फिर उन्हें कंट्रोल किया जाएगा, और एक नारियल पानी और आधा ग्राम गौन मोरिंगा ये एक बार दिन में पी लिया करिए। गौन मोरिंगा आधा ग्राम रोज़ाना उसके साथ पी लिया करिए, आपकी ये दोनों परेशानियां ठीक होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ पवन महाराष्ट्र से, स्वागत है पवन आपका। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी, ये जो मेरी मम्मी है उनके ना पेट में बहुत दर्द होता है, तो मैं आपकी ना मेरी मम्मी से बात करवाना चाहता हूँ। जी जी हेलो जी जी बताइए क्या सेवा है बताइए। हाँ मैडम देखो मेरा पेट में तकलीफ है। बताइए बताइए बता दीजिए पूरी बात। हाँ मेरे मेरे पेट में तकलीफ पड़ती है, पेट फूल जाता है मेरा खाना खाने से। अच्छा कोई जांच कराई आपने पेट की जांच? हाँ, कराई थी हमने, तो पेट में चर्बी बताते हैं डॉक्टर लोग। सोनोग्राफी कराई होगी डॉक्टर ने वो? हाँ, कराई थी। हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए बहुत अच्छा किया आपने जांच करा ली, मेरा शक भी दूर हो गया। और देखिए बड़ा आसान इलाज है आपका, और एक सिरका आता है, सिरका आप समझते होंगे विनेगर को कहते हैं, बेटा साथ में बैठा हुआ है समझ जाएगा। अब ये एलोवेरा का सिरका आता है, एलोवेरा विनेगर, ये आप जब भी खाना खाएं आपकी सब्जी या सालन हो उसमें 2-3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच मिला के खाइए सुबह शाम, एक टाइम भी ले सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो तो 2 टाइम लीजिए, तो उसी दिन से आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा मेरी मुझे उम्मीद है। और अगर सब्जी सालन में डाल के नहीं ले सकते तो पानी में डाल के लें, लेकिन नेट मत पीना, काफ़ी तेज़ होता है। एलोवेरा का सिरका आप इस्तेमाल करें, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए आपको फायदा ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको ये देसी नुस्खे अपनाने होंगे, तो बस आप लोगों को एक छोटा सा प्रयास करना है, फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से, हमारे साथ अखिलेश हैं बाराबंकी से, स्वागत है अखिलेश आपका। जी बताइए। मुझे 2 साल हो गए हैं। जी जी बोलिए। सीने में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, धड़कन बढ़ी रहती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं रहता है। अच्छा कितनी उम्र है और डॉक्टर ने क्या बताया आप बताइए। डॉक्टर साहब तो कुछ बताए हैं, सब लगभग हमारी उम्र जी 24 साल है, ईसीजी भी करवाए हैं, 24 साल करवा चुके हैं, 24 साल और ये एंजियोग्राफी भी करवाया है। कितनी उम्र बताई आपने? 24 साल। अरे बहुत कम उम्र है, कुछ चोट वोट तो नहीं? सर परेशान हो गए हैं, एक लोग बता रहे थे कि वहाँ पर फोन करके बात कीजिए, हो सकता कोई सलूशन मिल जाए। अच्छा देखिए बहुत आसान इलाज भी है, अगर आप गौर से सुन रहे हैं और आपके पास कॉपी और पेन है तो लिख लीजिए। कॉपी पेन है आपके पास? पेन तो सर और लेकर नहीं बैठे हैं। अब देखिए आप लोग अगर पेन लेके बात नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा नुस्खा। अच्छा आप याद कर लीजिए, देखिए नींबू तो आप जानते हैं
नींबू, अदरक, लहसुन, इन तीन चीज़ों का एक एक लीटर जूस निकालिए। फिर याद कर लीजिए, नींबू, अदरक, लहसुन का एक एक लीटर जूस निकालिए। और आपको ख़रीदना है बाहर से एक लीटर जैतून का सिरका, अपने फ़ोन में लिख लीजिए, जैतून का सिरका एक लीटर लीजिए और इन सबको मिक्स कर दीजिए। और फिर तीन चम्मच सुबह नाश्ते के बाद पानी के साथ लें और तीन चम्मच रात को पिया करें। ये चार लीटर जब बन जाएगा आपका एक लिक्विड, ये ख़त्म होते होते आपकी बीमारी भी ख़त्म होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं मोहन, गुजरात से हमारे साथ, स्वागत है मोहन आपका। मोहन दा, मोहन ही, मोहन दा। अच्छा मोहन दा जी, बताइए सवाल कीजिए। अच्छा, हमको ये आँख बहुत होता है ने, शरीर में बढ़ जाती होती है। जी क्या होता है आपको, एक बार दोबारा बताइए। चलती हूँ ने, चलने में तकलीफ, चलते समय। अच्छा एज बता दीजिए, अपनी आयु बताइए। मेरी उम्र है 65 वर्ष की। अच्छा अच्छा, देखिए इस उम्र में ये रोग हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है और बहुत आसानी से इलाज भी हो सकता है अगर आप 3-4 महीने लगातार इलाज करें। जैतून का सिरका, देखिए आपके पास कोई बैठा हो तो वो समझ लेगा, या आप लिख लीजिए, जैतून का सिरका रोज़ाना रात के समय 3 चम्मच पानी में मिलाकर, 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ पिया करिए और 3-4 महीने पिएंगे तो आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं सुंदर, दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है सुंदर आपका। हाँ जी जी, बोलिए मैडम जी। गैस बनती है मेरे। ठीक है, अच्छा एज बताइए और कब से बनती है। ये हो गई 1.5 साल हो गई सर, एज 48 साल के आस। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए टाइम हो गया और इससे आप खबरदार हो जाइए, अगर सोनोग्राफी नहीं कराई है आपने तो एक बार सोनोग्राफी करा लीजिए जो पूरे पेट के अंदर का बताएगी किस वजह से बनती है। अगर पथरी है तो पथरी का इलाज करना पड़ेगा, अगर पथरी नहीं है तो एक बहुत आसान नुस्खा आप लिख लीजिए। देखिए धनिया सौंफ अजवाइन ज़ीरा, धनिया सौंफ अजवाइन ज़ीरा और गौन मोरिंगा, गौन मोरिंगा असली लेना, बाकी तो चीज़ों की आपको पहचान है, गौन मोरिंगा असली लीजिए। इन सबको 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाइए और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, खाने से पहले खाने के बाद जैसा भी आपको आसानी हो सुबह शाम खाइए। ये 400-500 ग्राम जो मटेरियल मैंने बताया है इसके ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं हनी संबल से हमारे साथ, स्वागत है हनी आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मुझे बहुत दिक्कत और परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा। क्या परेशानी है आपको? मेरे हाथ पैर में दाने निकल आए हैं, छोटे छोटे दाने हैं और बहुत खुजली मचती है मेरे। ठीक है, हेलो। ठीक है ठीक है, एज बता दें। 21। अच्छा देखिए अलसी लीजिए, उसे 100-200 ग्राम ले लीजिए, हल्का सा भून लीजिए उसे, फिर उसका पाउडर बना लीजिए। और ये 1 चम्मच अलसी और आधा चुटकी, ये चुटकी है, आधा चुटकी आपको खाने का सोडा इसमें मिला के रोज़ाना 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लेना है पानी के साथ। अगर ये आप चंद रोज़ या चंद हफ्ते लेते हैं, कुछ हफ्ते या कुछ रोज़ लेते हैं तो आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है।